वी हैव डन इटिनरेंट रिटेलर्स. इटिनरेंट रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स विच आर, लास्ट टॉपिक वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्स शॉप. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स शॉप, फाइन. सो वी हैव डन फिक्स शॉप कैरेक्टरिस्टिक्स. First thing which we were discussing with them in that was that these stores have generally huge, relatively huge resources, okay, और बहुत बड़े पैमाने पे आपका business carry out करते हैं. They have large amount of financial capacities, they have large storage capacities, production capacities. And they operate at relatively larger scale. मतलब पूरे हरियाणा में डील कर रहे होंगे, पूरे क्या कहते हैं पंजाब में डील कर रहे होंगे या नॉर्दर्न इंडिया में डील कर रहे होंगे. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इसमें. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट बेसिक फीचर ऑफ दिस. Second thing is they are dealing in different products. These retailers basically deal with different products. Okay, कि आपके पास जैसे बिग बाजार है, बिग बाजार में आपको हर कंपनी का प्रोडक्ट, वो एक तरह से फिक्स्ड शॉप रिटेलर है बिग बाजार, एंड दे आर डीलिंग विद वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद यू. ओके, they have variety of products they are dealing with you. So ye sabse important cheez hai that they are dealing with different type of products at one time. Ke aapke paas stationery products hain, sports products hain, then you have various other products like eatables are there. Wo sari cheezon ko ek time mein deal kar rahe hain, to ye ek important aspect hai aapke paas jo available hai in fixed shop retailers mein. Okay, then another thing is that they have greater credibility in the mind of the customer. Ke aapke jo status hai customer ke mind mein, comparatively it's very good. They have a better status in the mind of the customer that these companies are providing better quality goods at relatively affordable prices or competitive prices, and the quality of good is very good. And you can get any type of products from these stores. That is the another important aspect which is giving credibility to these retail stores. Okay. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं fixed store retailers से. Okay. That is your first is general stores. Okay. So what is a general store? This is a store which consists of wide variety of merchandise. Okay, बहुत ज़्यादा इसमें products आपके पास available हैं, चाहे आप food products से ले लीजिए, चाहे clothing products हैं आपके पास, or you want to have the hardware products like you want certain spare parts. So that is available with them. बट इसमें और डिपार्टमेंटल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दैट दीज आर नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आप इंडिया में बहुत कम अवेलेबल हैं, मगर इंडिया में जनरल स्टोर्स अवेलेबल हैं. ओके, जनरल स्टोर्स में क्या है कि आप जितने भी हमारे यहाँ बड़े स्टोर्स हैं, जैसे रिलायंस रिटेल स्टोर्स हैं, तो रिलायंस रिटेल में आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, उन्होंने ट्रेंड्स आपके पास क्रिएट किया हुआ है कि जो सिर्फ क्लोथिंग से कंसर्न है. बट अगर बिग बाजार में जाओ या आप किसी ऐसे स्टोर्स में जाओ, तो आपको वहाँ फूड प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, मतलब गारमेंट्स भी अवेलेबल होंगे, और आपको हार्डवेयर में कंप्यूटर हार्डवेयर और वेरियस अदर स्पेयर पार्ट्स जो आपको चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स हैं, आप विशाल मेगा मार्ट में जा सकते हो फॉर एग्जांपल. ओके, फॉर एग्जांपल विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट में आपके पास एक तरह से वो एक जनरल स्टोर है विशाल मेगा मार्ट. ओके, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ
दिस मेगा मार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, क्लोथिंग के हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, आपको हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं वहाँ पे, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं कई चीज़ों के, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलते हैं। तो मतलब यहाँ विशाल मेगा मार्ट को आपने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है, तो वैरायटी ऑफ मर्कंडाइज, आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दैट इज व्हाट ए जनरल स्टोर इज। ओके, सो उन्होंने सिंपल से बताया हुआ है कि दे आर डीलिंग विद योर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, कि आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीदने हैं, कन्फेक्शनरी लेना है, स्टेशनरी लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने हैं, या टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, मतलब मींस जो दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन योर वॉशरूम्स, ओके, दैट इज अवेलेबल विद दीज स्टोर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपके रेजिडेंशियल एरियाज के नजदीक रहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स में बेसिक डिफरेंस है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर अवेलेबल एट अ सेंट्रली लोकेटेड एरिया विच इज फार अवे फ्रॉम द सिटी। आपको स्पेशल एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा टू रीच अप टू दोज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ओके, जैसे स्पेंसर्स है जो आपको यूरोप में ज्यादा दिखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इंडिया में नहीं दिखते हैं वैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बिकॉज दे नीड ह्यूज एरिया। लाइक जैसे आपके पास अमेजन का एक हेड ऑफिस है हैदराबाद में, इट इज ऑफ 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया। सो इस तरह के बिग स्टोर्स आपको चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए, दैट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन आर कंट्री, बट दैट इज दैट मॉडल इज अवेलेबल इन यूरोपियन नेशंस। हमारे यहाँ पे जनरल स्टोर्स का अवेलेबल है, एंड दीज स्टोर्स आर मेनली अवेलेबल इन द रेजिडेंशियल एरियाज, and secondly these stores remain open for long hours also। okay, ke aapke jo neighborhood mein general store available hain to wahan pe bhi ye aapke timing inke bahut zyada hain ke you can buy out these goods at 9 in evening also, to ye aapke paas bahut zyada longer hours ke liye ye goods ye shops ye stores available rehte hain। So it is very convenient for you that after office hours or after after your business hours, you can go to these stores to carry out the trading activity. Okay. Another important thing is that they provide you home delivery of goods, as well as they provide credit facility only to regular customers. Okay. These stores are some of these stores. It is not applicable in case of Vishal Mega Mart. But there are other general stores like Goyal's is there, or 7 Days is there, or Easy Day is there. They are providing some facilities. We can say that instead of Easy Day, but Goyal's or this 7 Days is there. They are making you available the credit facilities also, but that is for the regular customer. That is the another important feature. Okay, another important thing in these general stores is that they establish a personal relation with their customers. Okay, because they are providing them personalized services. It is not that the goods are being like अभी मैंने कहा कि Easy Day और विशाल मेगा मार्ट से आपको credit facility नहीं मिल सकती है, because these are company run stores. And in those company run stores, there is no personal relationship being established by the employees with the customer. They are working in a employment on employment basis. But in case of your other general stores where the proprietor is running its own business, then they are providing you a personal relation with the customers. Okay, their own customers, they are dealing them in a personalized way. That is the important aspect which is related with this. Okay, so these are the various features of a general store. Now we are moving on to the next aspect of this fixed stores, that is single line stores. Okay, so what are single line stores? Basically, single line stores are those stores which deal with only one single product line. मतलब यहाँ पे एक product line के ऊपर focus आप कर रहे हो,
आप कंप्यूटर्स के ऊपर या तो फोकस कर रहे हो कि सारे पेरिफेरल्स, हर तरह के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, बुक, टैबलेट्स, बुक्स, कंप्यूटर बुक्स आर देयर और डेस्कटॉप्स आर देयर, और यू आर डीलिंग इन टू शूज, बोथ किड्स, मेल फीमेल, एडल्ट शूज, स्पोर्ट शूज, कैजुअल्स, फॉर्मल्स, हर तरह के शूज, गारमेंट्स में आप रेडीमेड गारमेंट्स में हर तरह के रेडीमेड गारमेंट के ऊपर आप डील कर रहे हो, या बुक्स हैं तो कंपटीशन बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं तो आप बुक्स में डील कर रहे हो. सो दीज आर बेसिकली दे आर डीलिंग ओनली इन टू बुक्स और दे आर डीलिंग विद दी कंप्यूटर्स और दे आर डीलिंग इन टू शूज. मतलब एक पर्टिकुलर लाइन आपने फोकस कर लिया, आप उसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर सारी की सारी अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करके बैठे हो. अब यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर बेसिकली रन आइदर इन पार्टनरशिप फॉर्म और बाय अ सोल प्रोपराइटर. ओके, तो या तो सोल प्रोपराइटर फॉर्म में ये बिजनेस रन किए जा रहे हैं या आपके पार्टनरशिप फॉर्म में है. सेकेंड इम्पोर्टेंट फीचर इज दैट दे आर हैविंग स्टॉक ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स, हर तरह, अगर आपके शूज हैं तो डिफरेंट साइज, डिजाइन, पैटर्न, कलर्स, मतलब जिस तरह की आपको मोस्ट प्रोबेबल आप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को आप अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज व्हाट द अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इज दैट दे आर हेल्पिंग यू इन हैविंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल दी साइजेस, ऑल दी पैटर्न, डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, सो दे आर स्टॉकिंग अप वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल विद देम. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज आर जनरली सेंट्रली लोकेटेड, दे आर नॉट अवे यू डोंट हैव टू जस्ट ट्रेवल टू ए फार ऑफ डेस्टिनेशन, दे आर इजिली अप्रोचेबल एरियाज जो हैं वहाँ ये लोकेटेड होंगे. ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है इन सिंगल लाइन स्टोर्स का. ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अब हर तरह का कस्टमर नहीं ये डील करते. अब सिंगल लाइन स्टोर्स में भी इन्होंने क्या किया हुआ है, कैटेगराइजेशन कर रखी है कि ये ए ग्रेड सिटीज में किस तरह के स्टोर्स होंगे, बी ग्रेड सिटीज में, सी ग्रेड सिटीज में कैसे स्टोर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैकडी स्टोर इज देयर इन योर, ओके, इफ यू आर हैविंग ए मैकडोनल्ड स्टोर इज देयर दैट इज लोकेटेड इन सिटी ए ग्रेड सिटीज, देयर मेनू फॉर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल ओवर देयर विल बी डिफरेंट, क्योंकि वहाँ का जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस हैं वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द कस्टमर विच इज रिजाइडिंग इन सी ग्रेड सिटीज. ओके, तो हर एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एरिया के जो अवेलेबिलिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी. एक ही शहर में अगर आपका जो स्टोर पोश एरिया में लोकेटेड है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे सिंगल लाइन स्टोर्स में वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द स्टोर्स विच आर लोकेटेड इन एवरेज एरियाज. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जिस तरीके का कस्टमर बेस अवेलेबल होगा वैसे प्रोडक्ट्स, वैसी क्वालिटी, वैसी ही वैरायटी अवेलेबल करवाते हैं ये स्टोर्स. दैट इज व्हाट द सिंगल लाइन स्टोर्स, दैट इज हाउ दे एक्ट अपॉन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर स्पेशलिटी स्टोर्स. ओके, नाउ व्हाट आर स्पेशलिटी स्टोर्स, आपने एक सिंगल लाइन स्टोर किया था, अब उस सिंगल लाइन स्टोर में आपने स्पेशलाइजेशन कर ली है, मतलब आपने क्या किया है कि ब्रांड स्पेशलाइजेशन कर दी. ओके, जैसे प्रोडक्ट ब्रांड स्पेशलाइजेशन कर दी या आपने प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन कर दी, मींस आप अगर मान लीजिए सिंगल लाइन में आपने शूज लिए थे तो शूज में आपने किस पे फोकस कर दिया, फीमेल शूज पे
या फिर आपने किड्स के शूज के ऊपर आपने फोकस कर दिया। किड्स में भी आपने क्या किया है, 1 to 5 years के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, इससे बड़ी एज के जो किड्स हैं उनके लिए आपने फोकस नहीं किया है, मतलब उसमें वैरायटी में नहीं आपने। तो आप स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड आइटम्स के ऊपर जा रहे हो, जैसे आप लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर है, मान लीजिए लेदर गुड्स हैं, तो लेदर में आपने प्योर लेदर के ऊपर, सिंथेटिक लेदर के ऊपर नहीं जा रहे हो, आप ओरिजिनल लेदर के ऊपर जा रहे हो, और फिर उसमें आप मेल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, ओके, मेल प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड आइटम्स के ऊपर, जैसे लेदर बैग्स के ऊपर फोकस करते हैं, कई लेदर के शूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ओके, तो शूज में आपने फीमेल मेल दोनों को कर लिया, तो लेदर के ऊपर सिंपल फोकस कर लिया, तो आपने स्पेशलाइजेशन करनी शुरू कर दी है। जैसे मेडिसिन में चले जाओ तो लोग कार्डियक मेडिसिन के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, कि एक स्टोर है जो सिर्फ कार्डियक मेडिसिन सेल करता है, एक स्टोर है जो सिर्फ कैंसर की मेडिसिन को सेल कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है आपके पास कि आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया। आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर फोकस कर रहे हो, जैसे रेमंड्स के ऊपर आपने फोकस कर लिया कि सिर्फ आप रेमंड्स के प्रोडक्ट्स बेचोगे, या एरो के प्रोडक्ट, बिरला के प्रोडक्ट्स बेचोगे, ओके, बिरला के प्रोडक्ट्स में भी आपके पास क्या है, पेंटलून है, देन यू हैव योर पीटर इंग्लैंड इज देयर एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स आर देयर। तो आपने नेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ब्रांड के ऊपर फोकस किया या इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर फोकस किया, वो आप देखोगे तो वो स्पेशलाइज स्टोर्स हैं, ओके, और इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं होती है, मगर ये डीप होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपके पास वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको एरो के मिलेंगे या लुए फिलिपे के आपके पास मिलेंगे, या नाइकी के मिलेंगे, या रीबॉक में मिलेंगे, तो रीबॉक या नाइकी में जो कुछ आपको अवेलेबल है, मतलब मैक्सिमम जो प्रोडक्ट वैरायटी नाइकी में अवेलेबल हो सकती है वो सारी अवेलेबिलिटी करवाएंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू वैरायटी ऑफ ब्रांड्स, ओके, तो सिर्फ नाइकी के ऊपर फोकस किया और उसमें ही जितने मेजॉरिटी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके पास गारमेंट्स हैं, चाहे वो आपके पास उनके शूज हैं, मतलब जिस तरह का भी प्रोडक्ट नाइकी प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे अवेलेबल होंगे एक स्टोर में, बट यू विल नॉट हैव एनी अदर ब्रांड अवेलेबल एक्सेप्ट नाइकी इन दैट पर्टिकुलर। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपके पास स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर आस्पेक्ट के ऊपर ये फोकस करते हैं और उसी के अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो ये है आपके पास स्पेशलिटी स्टोर्स, ओके। Then we are moving on to the next topic, which is street stall holders are there. Okay. अब street stall holders हमारे पास, हमने पिछले उसमें किया था itinerant में के that we are having certain individuals who move from one locality to another locality. तो वो हमारे पास hawkers peddlers थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देर आर सर्टेन स्टॉल होल्डर्स हु आर जनरली अवेलेबल एट द क्रॉसिंग्स ऑफ द बिजी स्ट्रीट्स, ओके। अब यहाँ पे जैसे आप चले जाइए तो अर्बन स्टेट में यू विल हैव, व्हेन यू एंटर इनटू अर्बन स्टेट नियरर टू द फ्लाईओवर, देर इज अ शॉप विच इज रिलेटेड टू तो ये बिजी कॉर्नर जो आपके पास हैं, ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स रखते हैं और ये लिमिटेड स्पेस में अवेलेबल होते हैं और इनमें पैसा भी बहुत कम लगता है, बट ये डील किसमें करते हैं
सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में, टॉयज में, बहुत इनएक्सपेंसिव गुड्स में आप डील करते हैं, तो ये जनरली ऐसे एरियाज हैं, ये फिक्स्ड शॉप्स होती हैं आपके पास, बट एक पर्टिकुलर कॉर्नर में जहां आपके पास, जहां सिगरेट्स जैसे स्कूल के बिजी एरियाज हैं, या ऑफिस एरियाज हैं, या स्ट्रीट्स जहां पे टी पॉइंट्स हैं वहां अवेलेबल होते हैं. सो सच टाइप ऑफ एरियाज वेयर द क्रॉसिंग्स दे आर लोकेटेड ओनली ऑन टू द क्रॉसिंग्स, ओके, एंड दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स, ओके, के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, किसी को एग्स चाहिए, ब्रेड बटर चाहिए, या कर्ड चाहिए, या वीटा बूथ हैं जैसे, तो ये आपको स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हम कह सकते हैं वीटा बूथ्स को, दीज आर स्ट्रीट स्टॉल्स, ओके, वेयर द गुड्स आर अवेलेबल फॉर डे टू डे यूज, एंड दीज आर जनरली ए चीप प्रोडक्ट्स और लेस प्राइस प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल एंड आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल डेली नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो ये आपके पास स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हैं, ओके. अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज योर सेकेंड हैंड गुड्स, ओके. द अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज इन फिक्स्ड बिजनेस इज सेकेंड हैंड गुड्स. अब सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट, जैसे सेकेंड हैंड कार्स हैं, सेकेंड हैंड स्कूटर्स हैं, या सेकेंड हैंड फर्नीचर है, सेकेंड हैंड बुक्स हैं आपके पास, या मोबाइल सेट्स हैं सेकेंड हैंड, तो कुछ कंपनीज जैसे OLX है या कुछ और कंपनीज हैं वो डील करती हैं, कार्स 24 है वो आपकी सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, तो दीज आर द शॉप्स विच आर बेसिकली डीलिंग इन टू द सेकेंड हैंड फर्नीचर और क्लॉथ्स और बुक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, ओके. तो आपके पास मतलब एक इंडिविजुअल को वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, दे वॉन्ट टू एक्सचेंज इट समवेयर, सो दीज आर द शॉप्स विच आर हेल्पिंग यू इन एक्सचेंजिंग यूर यूज गुड्स, helping you in getting price for the your used goods and so that you can exchange those goods with the fresh goods. So ye you can buy some fresh goods by selling off your old second hand goods or used goods, okay. So ye is tarike se aapke paas hai, to second hand goods mein aapko koi private auctions ya public auctions mein nahi jana padega, ye shops aapke paas available hain jahan aap apne used goods ko ek comfortably एक प्रॉपर प्राइस पे आप अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, ओके. तो ये जो शॉप्स हैं ये एक बिजी एरियाज में अवेलेबल होती हैं, ओके. आप कभी देखेंगे तो जो बुक्स की शॉप्स हैं वो आपके पास कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी यूनिवर्सिटी एरियाज में, सेकंड हैंड बुक्स, ओके, जो अवेलेबल हैं, या कॉलेजेस के पास मिलेंगी, या स्कूल्स के एरियाज के पास मिलेंगी, तो ये वो बिजी एरियाज हैं उनके. या अगर आपको फर्नीचर चाहिए सेकंड हैंड, तो आप वो कुछ बिजी एरियाज अवेलेबल हैं वहां पे आपको मिलेगा. तो सेकंड हैंड फर्नीचर हिसार में तो नहीं मिलेगा, हाँ चंडीगढ़ या मोहाली चले जाओ तो वहां आपको सेकंड हैंड फर्नीचर शॉप्स भी मिलेंगी, ओके. या आपको क्लॉथ्स चाहिए सेकंड हैंड, या यूज्ड क्लॉथ्स हैं पीपल जनरली बाय, तो ये भी आपके पास बिजी एरियाज में आपको ये शॉप्स मिल जाएंगी, ओके. एंड दीज मेंटेन ए रीजनेबली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले तो बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती थी ये शॉप्स, बट जैसे जैसे इनकी डिमांड ज्यादा बढ़नी शुरू होगी, दे हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग ए प्रॉपर स्टोरेज सेंटर, स्टॉकिंग स्टॉकेज स्टॉक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दीज शॉप्स, ओके. And they are providing you variety of facilities, variety of goods are available, okay, like these are providing you, if you go to any second-hand books shop, you will get books for competition, for medicine, for engineering, for 11th, 12th, for commerce and science, even you will get the notes for your, the used notes of any fit g kota classes or bansar classes, so such type of goods are, so ye ab inhone pehle stalls se kaam karte the, ab inhone ek comparatively better infrastructure create kiya hua hai from where you can buy these goods easily, okay. And these goods are generally available at lower prices,
So they help you in fulfilling your requirement for variety of goods which you can't buy at original prices. Okay. Another thing is that is what we have discussed, that you can buy the goods which you can't afford. New goods aap afford nahi kar sakte ho, toh aap in second hand goods ko buy kar sakte ho. Okay. And but sometimes ye sirf cheap products mein hi deal nahi karte hain. Even there are certain goods like antiques or rare goods or certain other specialty goods which are for the elites only. So ye aisi shops bhi hain jo kisi ko requirement nahi hai but uski antique value bahut zyada hai. So ye antique shops bhi second hand used goods shop hain jo sirf elites ke liye kaam kar rahi hain, jo unko ye rare goods, rare products available karwati hain at very high prices, and that is what the सेकेंड हैंड गुड्स आर डीलिंग इन टू. ओके, तो ये आपके पास है. दिस इज ऑल वी आर हैविंग इन दिस फिक्स्ड शॉप स्टोर्स आर देयर. ओके, सो आफ्टर दिस वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स्ड. ओनली टुडे वी विल हैव अ ओवरव्यू, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दीज स्टोर्स. Here you don't have supermarket and malls. These 1, 2, and 3. These are not in your syllabus. Okay. Only we will discuss departmental stores, multiple shops, and mail order houses. So, हमारे पास various types of large scale fixed shops हैं. Large scale fixed shops और small scale fixed shop में basic difference क्या है? That here huge amount of funds and a huge amount of infrastructure is available for running these large scale shops as compared to the small scale fixed shops. That is the first basic thing. And then we have various types. One is your departmental stores, another are your mail order, and chain stores are there. Okay, so departmental stores are those such type of stores where the products are being, where the whole store is being divided into different departments. Okay, यहाँ स्टेशनरी का अलग डिपार्टमेंट होगा, मेडिसिन का अलग होगा, गारमेंट्स का अलग होगा, होटल जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका अलग स्टोर होगा, आपको क्या कहते हैं ग्लास प्रोडक्ट्स चाहिए तो एक अलग डिपार्टमेंट होगा, आपको गन्स चाहिए, आर्म्स के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो अलग स्टोर होगा डिपार्टमेंट्स में, उसका अलग डिपार्टमेंट होगा. आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए वो अलग डिपार्टमेंट होगा, मोबाइल्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए वो अलग डिपार्टमेंट होगा आपके पास. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पूरे का पूरे स्टोर को डिवाइड किया होता है, और ये बहुत बड़े एरिया में इस्टेब्लिश्ड होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एंड यू हैव टू स्पेशली विजिट दीज स्टोर्स, एंड दे हैव वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल. सेकेंड इज आपके पास मल्टीपल शॉप्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स के अगर अगर 4 स्टोर्स खुल जाएं हिसार में तो उसे हम क्या कहते हैं, वो एक ही तरह की शॉप होगी, एक ही तरह का उसका कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन, मेनू सब कुछ अवेलेबल होगा. इस तरह की शॉप्स को हम क्या कहते हैं, चेन्स शॉप्स. तो पूरे कंट्री में मैकडोनल्ड की चेन्स हैं, सबवे की चेन्स हैं, डोमिनोज की चेन्स हैं, पिज्जा हट की चेन्स हैं. ओके, तो ये स्टोर एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें कहते हैं हम मल्टीपल शॉप. फिर है हमारे पास मेल ऑर्डर बिजनेस हाउसेस. तो आजकल जो अमेज़न काम कर रहा है या फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, ये जो बेसिकली आपको गुड्स अवेलेबल करवा रहे हैं ऑनलाइन, ये मेल ऑर्डर बिजनेस हाउसेस वाला ही काम है. सो टुमारो वी विल डिस्कस दीज large scale fixed shops. Okay, as to what is departmental store, chain store, or mail order houses in detail. Thanks, this is all for today.